कुछ लोगों के प्रश्न वाटर फास्टिंग जल उपवास के विषय में जो आए हैं इसका लाभ क्या है लाभ इसका यह है कि आपके शरीर में थोड़ा इसका विज्ञान समझ लो पहले जैसे कार की टैंक मान लो अगर 60 लीटर की है और हमने उसमें 60 लीटर तेल डलवा लिया है तो आप भरे हुए टैंक में और पानी पेट्रोल तो नहीं डलवाओगे डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा इसी तरह इस शरीर की गाड़ी में जो हम भोजन दूध चाय जूस जो भी लेते हैं वो भोजन कितनी कैलोरी का आपके अंदर गया वो यूनिट कितना आपके अंदर गया अब मान लीजिए आपके शरीर की जरूरत 2000 कैलोरीज की थी और जिस तरह का भोजन आप लोग खाते हैं 2000 कैलोरी तो कई बार एक ही मील में खा जाते हैं फिर दिन में तीन बार खाते हैं फिर चाय पीते हैं फिर कॉफी पीते हैं हम जो भी भोजन खाते हैं उसकी कैलोरीज जो है वो हमारे शरीर में जाकर मेजरली ग्लूकोस और लीवर में ग्लाइकोजन बनके बैठ जाती है और फिर बहुत सारी जो कैलोरीज हैं जो आपने खाया वो एडिपोज टिश्यूज में वसा बन के फैट बन के आपके सेल्स में जमा हो जाते अब शरीर में एक लिमिट है आप सेल्स को काम करने के लिए चाहिए ग्लूकोस एनर्जी अब जितनी उसको चाहिए उतनी तो उसने ले ली अब जो बाकी है उसका क्या वो आपके रक्त में शक्कर जो है वो घूमती रहती लीवर में सेल्स में चली गई फैट सेल हो गया एडिपोस टिश्यूज में फैट जमा हो गया पर आदमी तो फिर भी खाई जा रहा है तो ऐसे जानू कि जैसे कार का टैंक भर गया और हम फिर भी उसको भरे चले जाएं तो वो ओवरफ्लो होगा सड़क पे गिरेगा ऐसे ही जब आप खाते चले जाते खाते चले जाते शरीर ने एक सीमा तक स्टोर करना उसके बाद फिर वो ओवरफ्लो होता है तो जब ये ओवरफ्लो होता है ये आपके ब्लड में अधिक मात्रा में ग्लूकोस अधिक मात्रा में शक्कर जो है वो बनने लग जाते अब हमारा पेनक्रियस जो है वो सारी प्रोसीजर को सुपरवाइज करता है चलाता है फिर बेचारा पेनक्रियास भी जब थक जाता है तो शक्कर जो है जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में ज्यादा बढ़ने लग जाती है और फिर धीरे धीरे आती इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से आएगा मोटापा उससे आएगी डायबिटीज और डायबिटीज आई तो उसकी फिर आगे बहुत सारी तकलीफें कॉम्प्लीकेशन हैं बहुत सारी आ जाती आसान काम ये कि हमारे शरीर में जो ज्यादा ग्लूकोज बना हुआ है जो ज्यादा फैट सेल्स बने हुए हैं अब उसको हम खाली कैसे करें इस्तेमाल करके अब वो अंदर पड़ा माल इस्तेमाल तब होगा जब आप बाहर से और नहीं डालेंगे तो वाटर फास्ट का मतलब सिवाय पानी के आप कुछ भी नहीं ले रहे जिससे जो एडिपोस टिश्यूज में है फैट वो जो ग्लाइकोजन है वो तो शरीर अपनी आवश्यकता को शरीर के अंदर मौजूद उस सामान से पूरी कर लेगा इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जल का उपवास जो भी कोई करता है उसका एक सबसे बड़ा जो लाभ आता है वो ये है जिसे हम कहेंगे शरीर से जो टॉक्सिसिटी वो कम होती टॉक्सिन मतलब आयुर्वेद में हम जो भोजन हमने खाया उसका जो हिस्सा पचा नहीं शरीर के सिस्टम में गया नहीं जो बचता है उसको कहेते आम अंग्रेजी में बोलेंगे टॉक्सिन अब ये आम जब शरीर में ज़्यादा बनने लग जाती है तो बीमारियां इसी की वजह से आती लंबे समय तक शरीर में आम बनती रही अब हड्डियों में गई तो हड्डियों के रोग आएंगे लीवर में गई तो लीवर के रोग आएंगे नज़र कमजोर होने से लेके याददाश्त का कम हो जाना से डायबिटीज हो जाना और बहुत सारी बीमारियाँ जिनको हम सोचते हैं कि अरे कैसे हो गई तो हम कहेंगे ज़्यादा खाने की वजह से हुई तो जब आप बाहर से कुछ खाएंगे नहीं तो आपका शरीर जो है आपके अंदर जो मौजूद फैट है जो कैलोरीज जमा है वो उसका इस्तेमाल करना शुरू करता है तो माने अगर आपका 14 से 16 घंटे तलक आप पानी पे रह गए तो उसकी सबसे पहली प्रक्रिया ये होगी कि वो आपके शरीर को टॉक्सिन uh, फ्री करने लग जाएगा आम बचाने लग जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन। किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं घर ही में हो जाएगा सिर्फ एक ही काम किया कि हमने खाना बंद कर दिया तो पहली बात जो पहला लाभ इसका होगा वह बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी आम मुक्त तो होगी दूसरा जब आप खाते नहीं हैं तो आपके भोजन बचाने में सबसे ज्यादा शरीर की शक्ति लगती है इसीलिए जो लोग दोपहर का पेट भर के भोजन खाते हैं फिर उनका ना सिर खड़ा कर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर वो नींद आएगी आएगी खास करके अगर आपने चावल रोटी जिसमें काब्ज की अधिकता है आपने ये सामान खाया तो शरीर में आलस्य आएगा ही आएगा तो जब आप खाते नहीं हैं तो जो ताकत पचाने में लगनी थी अब वो ताकत आपके पास सरप्लस हो गई तो जिस दिन आप उपवास करेंगे उस दिन शरीर में ताकत ज्यादा होगी कम नहीं हो जाती है अगर साथ में आप आसन करें पसीना निकले तो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी तो आपके ये जो रोम हैं ये खुलते हैं और इससे जब पसीना बाहर आता है तो ये आपकी स्किन को बढ़िया चमकदार बना देते तो अगर मैं कहूं सौंदर्य वर्धन करना है तो फिर वाटर फास्ट करिए और जब आप फालतू खाते नहीं हैं तो न पचने के कारण जो अजीर्ण होता है इनडाइजेशन वो नहीं होगा तो पेट में गैस नहीं होगी तो घबराहट नहीं होगी तो जीने जब भोजन ठीक से नहीं पचता है तो शरीर में बहुत जैसे कई बार कोई ज्यादा गंदी खराब चीज आपने खा ली तो नो हो जाता है मिचली होती है अब आपने खाया ही कुछ नहीं तो ये सारा कुछ नहीं होने वाला तो इससे क्या है मन भी थोड़ा कदाचित स्पष्ट सोच पाता है सो तो हम कह सकते हैं If you do the water fast, then your body gets detoxified. Number two, then you have more energy. Number three, you will begin to lose excess weight. Four, your mind will be better, clear, your cognition becomes better.